हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ हूं अपूर्व मिश्रा। तो आज बहुत बड़ा मैच है आईपीएल का, 21वां मैच है और ये 21वां मैच है महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स के दिनेश कार्तिक के बीच। तो बड़ा मैच है, धोनी चाहेंगे कि जो पिछला मैच वो जीते थे ना 10 विकेट से, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि सीएसके इज बैक, धोनी चाहेंगे कि वो एक बार फिर से धूल चटाएं केकेआर को इस मैच में और अपनी विनिंग स्ट्रीक चालू रखें। वहीं केकेआर की कोशिश होगी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को वो हराकर पॉइंट्स टेबल में बढ़त बनाए। दोनों ही टीम जीत के इरादे से उतरेंगी और एक दूसरे को परास्त करने के इरादे से उतरेंगी, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इन दोनों का रिकॉर्ड क्या कहता है, ये दोनों कब कब एक दूसरे पर भारी पड़े हैं, इनका आईपीएल रिकॉर्ड क्या कहता है, कितने मैच खेले हैं, कौन कितने जीता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल अभी तक इन दोनों के बीच कुल मिलाकर 22 मैच हो चुके हैं, जिसमें से महेंद्र सिंह धोनी यानी सीएसके की टीम 14 मैच जीत चुकी है और बाकी के 8 मैच जीते हैं केकेआर ने, यानी लगभग 6 जीत का गैप है इन दोनों के बीच। धोनी चाहेंगे कि इस गैप को और बढ़ाया जाए और केकेआर चाहेगी कि इस गैप को कम किया जाए, रिकॉर्ड थोड़ा सा सुधारा जाए। तो ये आईपीएल रिकॉर्ड है, इसका मतलब है कि सीएसके हमेशा से भारी रही है केकेआर पर। क्या आज के मैच में भी, मौजूदा दौर में भी, आज की केकेआर की टीम को देखकर भी आपको यही लगता है कि सीएसके भारी पड़ेगी? जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इसके बाद बहुत कुछ हम बताने जा रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। हम बताने जा रहे हैं दोनों टीमों के 5 बड़े बड़े प्लेयर्स जिन पर जीत का दारोमदार रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी के लिए कौन से खतरे रहेंगे केकेआर की टीम के, ये भी वीडियो में अपलोड करेंगे। साथ ही साथ धोनी की आज की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कोई चेंज करेंगे वो केकेआर को देखते हुए, साथ ही साथ केकेआर धोनी को देखते हुए क्या प्लेइंग 11 उतार सकती है, ये सारे वीडियोस कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, स्पोर्ट्स आर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।